वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड करूं तो किस बात का, हम सब आपके ही तो किराएदार। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। दूसरों को दुख देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधक नहीं और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता, यदि आज तुम किसी को रुलाओगे तो यकीनन एक दिन आपको रुलाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। भगवत गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह है, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं उतना ही वे बढ़ती है। इसीलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि प्रेम व्यक्तित्व से होता है, उस व्यक्ति की अच्छाई से होता है, उसकी बातों से जिससे मन प्रसन्न होता है और उसकी परवाह जो आपको खुशी देती है। असल प्रेम वही है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म विचार वाणी व्यवहार चरित्र और कर्म जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, इसीलिए अधिक समय तक चिंतित न रहे, क्योंकि हालात चाहे जो भी हो एक दिन बदलते जरूर है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता है कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता है, यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है परंतु बोले गए शब्द नहीं। केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियतियाँ भाग्य पर निर्भर नहीं करते। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है।
जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपके लक्ष्य से दूर न कर पाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज़ का सामना हो सकता है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापिस आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरे को चोट पहुँचाएंगे वो अतः में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे।